बथुआ पराठा लेके आई हूँ आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ बथु से पराठा, क्योंकि सीजन आ चुका है तो क्यों ना ट्राई करूँ मैं बथु पराठा और शेयर करूँ आप सबके सामने। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैंने प्रिपरेशन कर भी लिया है और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसे पहचानिए ये क्या है, कौन सा साग है। तो गाइस मैं ही बता देती हूँ, ये है बथुआ, बथू जिसका बहुत सारा डिश बनता है। बथुआ से दाल भी बनता है, इसका पराठा भी बनता है, साग भी बनता है इसका, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से ये मोटा वाला डंठल निकाल लिया है और इसे अब काट लूँगी, उसके बाद धो के साफ कर लूँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ इससे बथू पराठा। दोनों हाथों में साग को लेंगे इस तरह और फसल की सहायता से बिल्कुल ही बारीक काट लेंगे इसको, जितना महीन हो सके काट लेंगे इसको, इस तरह से काट लेना है। सभी बथू को काट के धो के तब मिलती हूँ मैं आपसे आगे की प्रिपरेशन में। बने रहिएगा रेसिपी ब्लॉग में। तो यहाँ पे बथू हमने हाफ केजी लिया था और इसको धो चुन के साफ करके कट कर लिया है। तो कढ़ाई भी गर्म होने वाली है हमारी। अब डालूंगी इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल, तेल हमें ज्यादा नहीं डालना है। तड़के में डालेंगे हम थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन, लहसुन के साथ जाएगा थोड़ा सा हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक क्रश किया हुआ। और इसको थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। और इसी में हम अपना ये साग छोड़ देंगे, इसी में साग हम छोड़ देंगे और इसे हल्का गला लेना है। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे ढक देंगे। एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं, ये बहुत जल्दी गल जाता है और इस तरह फ्राइड करके पराठा बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको अब ठंडा होने देंगे और निकाल लेंगे कढ़ाई से। बथू को हमने एकदम से ठंडा कर लिया है और अब इसे मिक्सी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह बारीक कर लेना है और अब यहीं से आटा में डाल दूंगी। और आटे को अच्छी तरह से गूंद लूंगी। तो हम इसी बथू से गूंथेंगे और जरूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे, वरना इसी से गूंथ लेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी पानी मुझे लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। अंदाज करके गूंथना है इसे कि कितना पानी लगेगा या नहीं लगेगा। मेरे में थोड़ा सा लग गया, मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। और अच्छी तरह सॉफ्ट रोटी जैसा आटा गूंथ के रख देना है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आगे प्रोसेस में।
तो आटे को गूंदे हुए आधा घंटा हो गया है। अब आटा अच्छी तरह सेपरेट हो गया है तो इसको मिला लेंगे और बनाते हैं अब बत्थू पराठा। इस आटे से बत्थू पराठा बन जाएगा, उसमें सत्तू पराठा भी डाल के बन जाएगा और पूरी भी बन जाएगा। तो मैं दो चीज़ ट्राई करूँगी। पराठा रोटी की साइज का बेलेंगे, ना पतला ना मोटा। चलिए फ्राई करते हैं, तवा हमारा गर्म हो ही गया है। लोई थोड़ा बड़ा साइज में लेंगे, रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज रहेगा लोई का। इधर इसको पलट लेते हैं, एक तरफ से सिक गया। पराठे को घी बटर ऑयल जिससे सुविधा हो आप उससे फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ घी से फ्राई करती हूँ हमेशा पराठे अपने। ये तो सादा प्लेन था, अब मैं सत्तू भर के दिखाऊंगी, वो भी पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरा डालते हैं, पकने देते हैं आराम से। यहाँ पे मैंने सत्तू भी बना के रखा है और मेरे घर में कुछ मेंबर हैं जो इसके अंदर सत्तू भर के भी पसंद करते हैं, तो मैं सत्तू भर के भी बना रही हूँ। सत्तू पराठा बनाने के लिए इसे गोल करेंगे और इसी में सत्तू भर लेंगे। सत्तू भर के पतला सा बेल के फ्राई कर लेंगे इसको भी, कोई मुश्किल काम नहीं है। सत्तू पराठा भी इस बहुत टेस्टी बनता है बत्थू पराठा के साथ, और हेल्दी तो है ही। जो बच्चे साग नहीं खाते हैं उनको खिलाने का ये अच्छा आइडिया है बत्थू पराठा। इसको भी थोड़ा मीडियम पतला बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि इसमें स्टफिंग भरा हुआ है सत्तू का, तो इसे थोड़ा मोटा ही रहने देंगे। और इसको उलट पलट के फ्राई करते रहेंगे। वाव कितना सुंदर फूल गया। तो डालते हैं अपना ये सत्तू पराठा, बत्थू प्लस सत्तू पराठा हो गया, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है।
आप चाहे तो पूरी खा सकते हैं, चाहे तो सत्तू पराठा खा सकते हैं, या सिंपल पराठा भी खा सकते हैं। सब्जी चटनी जिसके साथ खाना पसंद करें, सभी के साथ अच्छा लगता है। बच्चे तो चाय के साथ पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा परथन लेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे। अपना प्लेन बत्थू पराठा और ये है अपना बत्थू प्लस सत्तू पराठा दोनों, और इसके साथ तब जाएगा बैंगन टमाटर मटर का चोखा। आप इसके साथ सब्जी भी ट्राई कर सकते हैं, मूली। तो क्यों हो गया ना रेडी बत्थू पराठा, एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी और हेल्दी बनता है। बच्चे साग नहीं खाते हैं तो साग खिलाने का अच्छा तरीका है। और वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमें। फिर मिलूंगी मैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।